भारत में कई तरह के किले हैं और लगभग सभी किले अपनी शानदार बनावट, बेहतरीन वास्तुकला और समृद्ध इतिहास के लिए फेमस है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे किले के बारे में सुना है जो सबसे ज्यादा ट्रेकिंग के लिए प्रसिद्ध है? आज हम आपको एक ऐसे ही किले के बारे में बता रहे हैं जहां तक पहुंचने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेकिंग को पार करना पड़ता है। यह किला जमीन पर नहीं बल्कि एक पहाड़ की बहुत ही ऊंची चोटी पर स्थित है। इस किले तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है क्योंकि इसकी चढ़ाई 90 डिग्री तक बिल्कुल खड़ी है, जो बेहद खतरनाक है। कई जगह पर तो रास्ता इतना संकरा है कि एक बार में एक ही व्यक्ति चढ़ सकता है। इस किले की चढ़ाई को हिमालय के पर्वतारोहियों द्वारा दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रैक माना जाता है। इस किले का सफर जितना खतरनाक होगा उतना ही रोमांचक भी। हर एक कदम पर आपकी सांसें थम सी जाएंगी, मगर इसके साथ ही मंजिल तक पहुंचने की आपकी ख्वाहिश भी बढ़ती चली जाएगी। चलिए ज्यादा घुमावदार बातें करने की बजाय इस घुमावदार सफर के बारे में आपको खुलकर बताते हैं। साल 2022 के सितंबर महीने की बात थी, सुबह का वक्त था। महाराष्ट्र के नासिक जिले से 104 किलोमीटर दूर मालेगांव के चार पर्यटक एक फोर्ट पर ट्रैकिंग करने निकले थे। 3 घंटे की खतरनाक ट्रेकिंग के बाद वे लोग किले के शीर्ष तक तो पहुंच गए थे। उन्होंने अपना पूरा दिन किले पर ही बिताया। शाम ढलते ही वे लोग वापस नीचे की तरफ आने लगे, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरे वे अपना रास्ता भटक गए और गलत रास्ते पर चल पड़े, जो उन्हें घने जंगल में ले गया। रात भी गहरी हो चुकी थी। गुप्त अंधेरे की वजह से वे लोग बीच में ही फंस गए। ना तो ऊपर जाने का कोई रास्ता नजर आया और ना ही नीचे जाने की मंजिल। काफी कोशिशों के बावजूद भी वे सही रास्ता ढूंढ नहीं पाए। एक तरफ रात का सन्नाटा और खतरनाक चढ़ाई, ऊपर से खतरनाक घना जंगल। ऐसे में डर के मारे चारों की जान हलक में आ गई। किले की अधिक ऊंचाई के कारण मोबाइल का नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। काफी कोशिशों के बाद उनका कॉल लगा और वे अपने घर वालों से बात कर पाए। ये खबर सुनते ही घर वालों ने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम से संपर्क किया और उनसे मदद मांगी। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने तुरंत एक्शन लिया और 4 से 5 घंटे की कड़ी सर्चिंग के बाद करीब आधी रात को वे लोग उनको बचाने में सफल हुए। जिस जगह पर ये सब हुआ वो है महाराष्ट्र का हरिहर किला। महाराष्ट्र के नासिक जिले की हरी भरी हरियाली के बीच सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के मध्य में रहस्य भरी एक जगह है। एक ऐसी जगह जहां प्राचीन इतिहास और उबड़ खाबड़ इलाका मिलकर रहस्य और साजिश का माहौल बनाते हैं। जैसे ही आप हरिहर किले की यात्रा पर निकलते हैं, आपका सामना खूबसूरत हरियाली से होगा जो घने जंगल से होकर गुजरता है। पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों के गीत सुनकर शायद आपके मन में शांति का एहसास होगा। लेकिन जरा रुकिए जनाब, असली चुनौती तो अभी बाकी है, क्योंकि इस किले तक पहुंचने के लिए लगानी पड़ती है जान की बाजी। पहाड़ के नीचे से देखा जाए तो यह किला चौकोर आकार में एकदम सीधा खड़ा दिखाई देता है, लेकिन ऊपर से इसकी बनावट प्रिज्म जैसी है। किले की चढ़ाई के लिए 177 सीढ़ियां बनी हुई है, जो इतनी खड़ी और खतरनाक है कि चढ़ते चढ़ते लोगों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन इतना जोखिम होने के बावजूद भी दुनिया के कुछ सरफिरे लोग मुख्य रूप से यहाँ चढ़ाई के लिए ही आते हैं। चढ़ाई के दौरान अगर गलती से आपने नीचे की ओर देख लिया तो जान हलक में आ जाएगी। इस किले की चढ़ाई कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो इसकी गहरी सीधी खाई को देखकर ही चकरा जाते हैं। ये सीढ़ियां कई जगहों पर घिस चुकी है और इनमें सुरक्षा के लिए कोई रेलिंग भी नहीं लगी है। बारिश के मौसम में तो ये सीढ़ियां और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि बारिश की वजह से यहां फिसलन बढ़ जाती है। ऐसे में अगर गलती से पैर फिसल गया तो सीधे खाई में गिरेंगे और कभी कभी तो बारिश के कारण चट्टाने भी गिर जाती हैं। यहां हर कदम पर जान का खतरा बना रहता है। आज भी इस किले की बनावट लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। भले ही आपने इस किले के बारे में ज्यादा न सुना हो, लेकिन इस किले के बारे में जितना कहा जाए वो भी कम है। आइए जानते हैं इस किले का इतिहास क्या है। हरिहर फोर्ट एक ऐसा किला है जो सह्याद्री पर्वत की ऊंची पहाड़ियों के ऊपर स्थित है, जिसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। इगतपुरी से 40 किलोमीटर दूर यह किला महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है।
यह नासिक जिले का एक महत्वपूर्ण किला है। किले के बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। दिलचस्प बात यह है कि इस किले का निर्माण महाराष्ट्र को गुजरात से जोड़ने वाले गोंडा घाट के जरिए व्यापार मार्ग पर निगरानी रखने के लिए किया गया था। समुद्र तल से 3676 फीट की ऊंचाई पर बना यह किला मुख्य तौर पर एक वॉच टावर के रूप में बनाया गया था। यहां से ना सिर्फ दुश्मनों पर नजरें रखी जाती थी, बल्कि यहां से वातावरण और बरसात का अनुमान भी लगाया जाता था। इस किले की स्थापना यादव राजवंश में हुई थी। उस समय यह किला गोंडा घाट के व्यापार मार्ग की सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था। इसकी स्थापना के बाद से ही हरिहर किले पर हमला होने लगा और विभिन्न आक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। इसके बाद 1818 में त्र्यंबक के पतन के बाद इस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। हरिहर किले के अलावा 16 और किलों पर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया था। हालांकि अब यह किला पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहा है। किले की चढ़ाई पहाड़ के बेस में बने निर्गुड़पाड़ा गाँव से शुरू होती है, जो नासिक से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस किले पर सबसे पहले 1986 में एक पर्वतारोही डॉग स्कॉट ने ट्रैकिंग की थी, इसलिए इसे स्कॉटिश ट्रैक भी कहते हैं। किले के आधे रास्ते तक पहुंच काफी आसान है। लगभग 50 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मुख्य द्वार आता है, जिसे महादरवाजा भी कहते हैं। जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ेंगे, जोखिम और बढ़ता जाएगा। रास्ता एकदम संकरा और खतरनाक होता जाएगा। किले के शिखर तक पहुंचने के लिए आपको रॉक क्लाइंबिंग करके ही पहुंचना पड़ेगा, जो खतरनाक है। यहां मौसम एक पल में बदल सकता है और आपको धुंध में ढक सकता है। पर्यटकों के लिए यहां सड़क के किनारे खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं। हरिहर किले के ऊपर भगवान शिव का एक मंदिर और एक विशाल गुफा है, जिसमें कहा जाता है कि किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है। इसके अलावा एक हनुमान जी का मंदिर भी है। वहीं मंदिर के पास एक छोटा तालाब है। इस तालाब का पानी इतना साफ होता है कि लोग इस पानी को पी भी सकते हैं। निर्गुड़पाड़ा गांव एक होमस्टे सुविधा भी प्रदान करता है। साथ ही पर्यटकों को यहां से बासगढ़ किला और ब्रह्मा हिल्स का खूबसूरत नजारा भी दिखाई देगा। खास तौर पर बारिश के मौसम में तो इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। यहां आप और भी कई चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं। किले से लगभग 170 किलोमीटर दूर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहीं यहां से नासिक रेलवे स्टेशन 56 किलोमीटर दूर स्थित है। जब भी आप महाराष्ट्र आए तो एक बार यहां की सैर जरूर करें। हालांकि हरिहर फोर्ट एक एडवेंचरस ट्रैकिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है, लेकिन फिर भी इस पे बहुत सावधानी से जाना चाहिए और संभावित जोखिमों के लिए तैयार रहना चाहिए। इस एडवेंचरस ट्रेक पर जाने वालों के लिए सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और ट्रेकिंग का प्रयास करने से पहले ट्रेकर्स को अपनी क्षमताओं और अनुभव का आकलन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप ऐसी ही किसी दूसरी जगह का वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हो सके तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।